हमने डिस्कस कर लिया था यूनिक इंडेक्स तक, ठीक है। सो आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, कि हम जो है वो इंडेक्सिंग के अंदर ग्रुप बाय को किस तरह से यूज कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो है वो ग्रुप बाय को यूज किया था। ग्रुप क्यों यूज होता है, ग्रुप बाय क्लॉज के बारे में हमने डिस्कस भी किया था कि ग्रुप बाय क्लॉज क्या करता है, आपके पास डेटा को ग्रुप करता है, ठीक है। यानी आपके पास जो है एसक्यूएल सर्वर डेटाबेसिस जो है वो टू डिफरेंट ग्रुप बाय एल्गोरिथम पे वर्क करती है। फर्स्ट वन इज द हैश एल्गोरिथम, ठीक है। यानी एक पहला जो आपके पास एल्गोरिथम वर्क करता है दैट इज हैश एल्गोरिथम, वो क्या करेगा, विच विल एग्रीगेट द इनपुट रिकॉर्ड्स इनटू अ टेम्पररी हैश टेबल। वो क्या करता है, वो आपके जो डेटा होता है, ठीक है, आपके जो इनपुट रिकॉर्ड्स हैं उनको एक टेम्पररी हैश टेबल के अंदर जो है वो रख देता है, ठीक है। वंस ऑल द इनपुट रिकॉर्ड्स आर प्रोसेस, जैसे ही आपके सारे इनपुट रिकॉर्ड्स जो है वो प्रोसेस हो जाते हैं, हैश टेबल जो है वो एज अ रिटर्न हो जाता है एज अ टेबल, ठीक है। सेकंड एल्गोरिथम जो है वो आपके पास इज द सॉर्ट ग्रुप एल्गोरिथम, ठीक है। वो क्या करेगा, पहले सारे डेटा को क्या करेगा, इनपुट डेटा को सॉर्ट करेगा, ठीक है, ग्रुपिंग की के थ्रू, और फिर क्या करेगा, आपके पास जो एक हर एक जो रो है, ठीक है, ईच ग्रुप की, ठीक है, उसको क्या करेगा, उसको आपके पास जस्ट एग्रीगेट करके आपको रिटर्न कर देगा। इन जनरल आपके पास बोथ एल्गोरिथम नीड टू मटेरियलाइज एन इंटरमीडिएट स्टेट, सो दे आर नॉट एग्जीक्यूटेड इन अ पाइपलाइन मैनर, ठीक है। तो इसलिए हम जो है कंफ्यूजन को यहाँ पर अवॉइड करने के लिए हम पाइपलाइन ग्रुप बाय को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इंडेक्सिंग ग्रुप बाय के अंदर कैसे इम्प्लीमेंट होगी, ठीक है, उसको एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझा जा सकता है। सो लेट से हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल कवर करते हैं। तो लेट से मैं यहाँ पर आता हूँ और एक ये मेरे पास एक टेबल मैंने बना के रखा हुआ है, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ टेबल्स के अंदर डिटेल्स भी रखी हुई हैं, पर उससे पहले इस टेबल को बनाने से पहले और इस डेटा को एंटर करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू यूज अ डेटाबेस, ठीक है। तो मैं यहाँ से हमारे पास एक डेटाबेस हम यूज कर रहे थे इंडेक्स डेमो, ठीक है, उसको यूज कर लेते हैं। उसके अंदर हम क्या बना रहे हैं, हम एक प्रोडक्ट का टेबल बना रहे हैं जिसके अंदर प्रोडक्ट की सेल्स आईडी है, ऑर्डर की आईडी है, प्रोडक्ट की आईडी है, और साथ के साथ क्वांटिटी सोल्ड, यानी क्या क्या कितनी क्वांटिटी हमने जो है यहाँ पर उस आइटम की सोल्ड की है, ठीक है। तो हम इस टेबल के अंदर चार चीजें जो है वो यूजर से ले रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से एग्जीक्यूट करते हैं तो हमारे पास ये टेबल यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा और उस टेबल के अंदर हम कुछ इंसर्ट कर रहे हैं डेटा, ठीक है। तो यहाँ से मैं डेटा कुछ इंसर्ट कर देता हूँ, तो यहाँ पर हमारे पास ये डेटा भी इंसर्ट हो गया है, ठीक है। तो जनरली हम ग्रुप बाय क्लॉज को यूज करते हैं ताकि हम क्या कर सकें, ग्रुप द रिकॉर्ड्स एंड इट्स एग्रीगेट वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल काउंटिंग द नंबर ऑफ प्रोडक्ट सेल विद द सेम प्रोडक्ट आईडी। यानी हमें यह मालूम करना है कि सेम प्रोडक्ट आईडी यानी सेम जो प्रोडक्ट है वो जो है वो कितनी दफा जो है वो सेल हुआ है, ठीक है। तो उसको प्रोसेस करने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, ग्रुप बाय क्लॉज को यूज कर सकते हैं। तो डेटाबेस क्या करेगी, पहले उसको सॉर्ट करेगी, ठीक है, और फिर उसमें से क्या करके देगी, आपको ग्रुप बाय करके देगी डेटा को, ठीक है। आप इसी तरह से जो है क्यूरी एग्जीक्यूशन प्लान को भी देख सकते हैं, ठीक है। सो हम ऐसा करते हैं कि सबसे पहले मैं एक यहाँ पर क्यूरी लिखता हूँ, ठीक है। तो पहले मैं लिखता हूँ सिलेक्ट, और मैंने यहाँ पर इसको बोल दिया पी डॉट लेट से प्रोडक्ट आईडी, ठीक है। मैं अभी एलियासिस क्रिएट कर दूंगा कॉमा, और हमें क्या करना है, सम करना है, यानी सम किसका करना है, क्वांटिटी यानी वो आइटम की क्वांटिटी जितनी सोल्ड हुई है, ठीक है। तो यहाँ से हम बोलते हैं पी डॉट क्वांटिटी सोल्ड, एस लगा रहे हैं ताकि उसके ऊपर कॉलम के ऊपर लिखा हुआ है टोटल क्वांटिटी सोल्ड, ठीक है। अब कहाँ से, इसी टेबल से, ठीक है। तो कौन से टेबल के अंदर से, प्रोडक्ट सेल्स का जो हमारा टेबल है, प्रोडक्ट सेल्स एस पी, ठीक है, ग्रुप बाय। अब इसको ग्रुप बाय किस बेसिस पे करना है, ठीक है। ग्रुप बाय आपको पता है एग्रीगेट फंक्शंस के साथ वर्क करता है, ठीक है। ग्रुप बाय पी डॉट प्रोडक्ट आईडी की बेसिस पे हमें क्या करना है, इसको यहाँ पर ग्रुप बाय करना, ठीक है। सो
हमने इस क्यूरी को इधर रन करता हूँ। अच्छा, ये फ्रॉम की जो स्पेलिंग है इसको मैं सही कर देता हूँ यहाँ से, और लेट्स रन दिस। अच्छा, हमें यहाँ से क्वांटिटी सोल्ड ये स्पेलिंग से ले लेता हूँ, स्पेलिंग का इशू फेस करते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जाकर इसको यहाँ से एग्जीक्यूट करता हूँ। एग्जीक्यूट करते हैं तो आप देखो ये क्या कर रहा है कि टोटल आपको ये बता रहा है कि आपके पास एक प्रोडक्ट है 4501, ठीक है, एक प्रोडक्ट है 502 और एक प्रोडक्ट है 503, ठीक है, ये तीन प्रोडक्ट्स हैं और आपने इस प्रोडक्ट को जो है इसकी इतनी क्वांटिटी सेल की है, यानी आपने इसको इसका जो है वो स्टॉक में से 14 जो है इसका माल जो है वो आपने सोल्ड कर दिया इतनी क्वांटिटी में, ये वाला प्रोडक्ट इतनी क्वांटिटी में सोल्ड कर दिया और ये वाला प्रोडक्ट जो है वो आपने इतनी क्वांटिटी में सोल्ड कर दिया है। अब अगर आप इसी क्यूरी का यहाँ पर एक आपके पास होता है क्यूरी एस्टिमेशन, अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर एक होता है डिस्प्ले एसटीए, आपके पास यहाँ पर होगा डिस्प्ले एस्टिमेटेड एग्जीक्यूशन प्लान, ठीक है। सो अभी एग्जीक्यूशन प्लान में आप जब आओगे तो आप देखो ये क्या बता रहा है आपको, इसको समझने की जरूरत है। अगर हम आते हैं इसमें सबसे नीचे नीचे देखो, सबसे पहले क्या हुआ आपके पास, सबसे पहले इसने बताया कि सिलेक्ट, ठीक है, सिलेक्ट, उसके बाद आपके पास कंप्यूट स्केलर, ठीक है। अगर आप इसको देखेंगे कि पहले क्या हुआ आपके पास, इट यूजेस अ टेबल स्कैन एज एंड वी नो दैट टेबल स्कैन इज बेस्ट फॉर परफॉर्मेंस एज इट मींस टू स्कैन ईच एंड एवरी एलिमेंट प्रेजेंट इन दी टेबल, ठीक है। अभी अगर आपको याद हो जब हम इंडेक्सिंग हमने स्टार्ट की थी तो हमने देखा था कि हमारे पास टेबल स्कैन होती है, ठीक है, और टेबल स्कैन के अंदर क्या होता है कि उसका जो वर्क करने का तरीका होता है वो सिक्वेंशियल मैनर में वर्क करता है, यानी वन बाय वन ईच रिकॉर्ड को वो जो है वो एग्जीक्यूट करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर परफॉर्मेंस क्या है आपके पास बैड होती है, ठीक है। तो इसी चीज को इसको इम्प्रूव करने के लिए, यानी अब देखो यहाँ पर हमने क्या लगाया, ग्रुप बाय लगाया ना, तो ग्रुप बाय करके हमें ग्रुप बाय में डेटा लग रहा है, लेकिन यहाँ पर ना कोई हमने इंडेक्स बनाया था ना कोई की बनाई थी, जिसकी वजह से यहाँ पर कोई इंडेक्स नहीं था ना कोई की थी, जिसकी वजह से आपके पास क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो स्कैन हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, टेबल स्कैन हो रहा है, ठीक है। तो अब इसी क्यूरी को फर्दर आप क्या करना चाहते हो, चेंज करना चाहते हो, तो उसके लिए आप क्या करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर आकर पहले तो इस टेबल के अंदर एक नॉन क्लस्टर्ड जो है वो क्या बना देंगे, नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स बना देंगे, ठीक है, और उसको नाम दे देते हैं आई पी के, ठीक है। और अब ये बताना है कहाँ बनाना है, तो भाई हमने बनाना है प्रोडक्ट सेल्स का जो हमारा टेबल है उसके अंदर प्रोडक्ट आईडी के ऊपर जो है वो हमें ये इंडेक्स जनरेट करवाना है, ठीक है। सो मैं यहाँ से इसको रन करता हूँ एग्जीक्यूट, तो हमारे पास आप देखो ये आपके पास हो चुका है। और अब मैं इस क्यूरी को यहाँ पर अगेन रन करता हूँ और रन करने के बाद एस्टिमेशन प्लान को फिर से रन करता हूँ। तो अब आप देखो, अगर प्रीवियस वाले को आप देखो जब आपने इसके ऊपर जो है वो एग्रीगेट नहीं लगाया था, ठीक है, तो फिर क्या हो रहा था, फिर आपके पास क्यूरी 20 टाइम्स रन हुई थी, ठीक है, यानी 20 टाइम्स वो रन हुई थी और फिर आपके पास रिजल्ट कंप्यूट हुआ था। जबकि यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर आपके पास अब क्या हो रहा है कि आप इससे देख सकते हैं कि अब आपके पास कौन सी स्कैन यूज हो रही है, इंडेक्स स्कैन यूज हो रही है इंस्टेड ऑफ टेबल स्कैन, एंड यू कैन ऑल्सो सी डेट इट यूजेस, ठीक है, आपके पास ये क्या यूज कर रहा है आपके पास, आप यहाँ पर अगर देखो तो आप यहाँ पे मैं दिखाऊँ आपको, हाँ ये देखो यहाँ लिखा हुआ आई पी के, ठीक है, यानी ये क्या यूज कर रहा है, ये इस इंडेक्स को यूज कर रहा है, नॉन क्लस्टर्ड इंडेक्स को, बट और उसके साथ साथ along with it also uses nested loops and RID lookup and we can improve this also, ठीक है, यानी आपके पास देखो साथ के साथ क्या कर रहा है, एक तो इसको यूज कर रहा है और साथ के साथ आपके पास क्या कर रहा है, यहाँ पर लुकअप कर रहा है किस पे से, RID टेबल के अंदर से लुकअप कर रहा है और लूपिंग चल रही है, ठीक है। हम इसको भी क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे लूप चल रहे, ठीक है, और यहाँ पर इसमें से लुकअप हो रहा है, हम इसको भी इम्प्रूव कर सकते हैं फर्दर। अब इसको किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है, सो नाउ लेट्स क्रिएट एन इंडेक्स ऑन बोथ प्रोडक्ट आईडी एंड क्वांटिटी सोल्ड, ठीक है, यानी आप इसको फर्दर किस तरह से
इंक्रीज कर सकते हो, क्योंकि आप देखो यहाँ पर क्या ले रहे हो, क्वांटिटी सोल्ड को मालूम कर रहे हो ना, तो ये भी आपके पास सर्च हो रही है, ठीक है। तो इंडेक्सिंग हमने देखा था, इंडेक्सिंग क्या करती है, आपके पास सर्चिंग पावर को इंक्रीज करती है, सर्चिंग पावर फास्ट करती है आपकी, ठीक है। तो यहाँ पर आके भी अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक और इंडेक्स बना देंगे, ठीक है, क्लस्टर इंडेक्स बना देंगे। अब ये क्लस्टर इंडेक्स हम किस पे बना रहे हैं, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट आईडी पे तो पहले से ही मौजूद है, हम यहाँ पर एक नया इंडेक्स बना रहे हैं और इसको बोल रहे हैं कि भाई अब क्लस्टर इंडेक्स हम किस पे बना रहे हैं। लेकिन देखो अब ये जो सेकंड वाला हम बना रहे हैं ना, ये हम कंपोजिट वाला बना रहे हैं, ठीक है। कौन सा बना रहे हैं, कंपोजिट, इन दोनों को मिक्स करके बना रहे हैं। तो मैं यहाँ पर आके बोलता हूँ, इसको यहाँ पर बोलता हूँ क्वांटिटी सोल्ड, टेबल के अंदर ये मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसको पेस्ट कर देते हैं। और एक काम ये कर लेते हैं कि यहाँ से आते हैं और हमारा जो टेबल है इसको मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। डेटाबेस में आते हैं और यहाँ पर हमारा इंडेक्स डेमो, ठीक है, और यहाँ पर आप देखो ये आ रहा है हमारे पास टेबल, टेबल के अंदर हमारे पास है कौन सा टेबल, प्रोडक्ट सेल्स का टेबल। और यहाँ पर इंडेक्सेस में आकर मैं यहाँ से ये वाला भी जो आपके पास यहाँ पर जनरेट हुआ है, ठीक है, जो आपके पास यहाँ पर इंडेक्स जनरेट हुआ है, इस इंडेक्स को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। सो लेट्स डिलीट दिस वन, ठीक है। सो मैंने यहाँ से ये वाला जो आपके पास इंडेक्स है उसको डिलीट कर दिया, ठीक है। सो अब ये इंडेक्स डिलीट हो गया और सेकंड ये जो अब नया इंडेक्स है ये मैं यहाँ से क्रिएट कर रहा हूँ, इसको मैं क्रिएट करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है। तो एक नया इंडेक्स बन गया और अब मैं इस क्यूरी को अगेन रन करता हूँ, एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है, और साथ में यहाँ से क्यूरी एस्टिमेशन प्लान को भी रन करते हैं। तो अब क्या हुआ, देखो इससे पहले क्या हो रहा था, जब हमने जो है सिर्फ प्रोडक्ट आईडी को यूज किया था तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर हमारे पास नेस्टेड लूप भी यूज हो रहा था और आर आई डी भी यूज हो रहा था, ठीक है। जबकि अब आप क्या कर रहे हो कि आपने अब क्या यूज किया है, अब आपने यूज किया है क्लस्टर्ड इंडेक्स यूज किया, लेकिन इन दोनों को कंपोजिट इंडेक्स बनाया, ठीक है। तो इसी वजह से अब अगर आप इस पे माउस लेकर जाओगे तो माउस ले जैसे ही जाओगे तो इंस्टेड ऑफ इंडेक्स, ठीक है, आपके पास यहाँ पर जो है आप देखोगे कि ये क्या यूज कर रहा है, न्यूली क्रिएटेड इंडेक्स जो है वो यूज कर रहा है, ठीक है। यानी अगर हमारे पास पुराना वाला इंडेक्स भी होता तो ये आपको ये बताता कि अगर हमने यूज वो बना भी लिया था इंडेक्स को तो ये उसको यूज नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों जो है इन दोनों आपके पास कॉलम्स को यहाँ पर यूटिलाइज किया जा रहा था, जिसकी वजह से अगर आप यहाँ पर आते हो तो ये आपको बताएगा भी कि भाई कौन सा इंडेक्स आपके पास यहाँ पर हुआ है यूज। तो आपको ये बता रहा है कि हमारे पास आई पी के वन यूज हुआ है, ठीक है। और अगर मैं आपको एक काम यहाँ पे करूँ, इसको अगेन क्रिएट करता हूँ ये वाले, ठीक है, तो ये इंडेक्स फिर से क्रिएट हो गया। मैं यहाँ से इसको रिफ्रेश करवाता हूँ और इंडेक्स पे जाता हूँ, और अब आप देखो आपके पास दो इंडेक्स आ रहे हैं, यहाँ पे आई पी के वाला भी आ रहा है, आई पी के वन भी आ रहा है। लेकिन जब मैं इस क्यूरी को रन करूंगा, एग्जीक्यूट करूंगा और एस्टिमेशन प्लान पे जाऊंगा, तो एस्टिमेशन प्लान आपको क्या बता रहा है कि ये किसको यूज कर रहा है, ये आपके पास अभी भी कौन से वाले इंडेक्स को यूज कर रहा है, सेकंड वाले इंडेक्स को यूज कर रहा है। और आपके पास अब यहाँ पर कोई बीच में आपके पास क्या हो रहा है, अब बीच में आपके पास कोई भी यहाँ पर जो है वो ना लूपिंग हो रही है, ना कोई आपके पास यहाँ पर जो है आर आई डी लुकअप हो रहा है, ये डायरेक्ट आपके पास क्या हो रहा है, आपके पास इंडेक्स स्कैन जो है यहाँ पर वर्क कर रही है, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास तो आप देख सकते हो कि आपके पास, अच्छा अब ये चीज क्या प्रूफ करती है, ये चीज ये प्रूफ करती है कि आपके पास जो एसक्यूएल सर्वर है वो आपके पास बेस्ट क्यूरी प्लान जो है वो आपके पास करता है यूज अवेलेबल बेस्ड ऑन दी अवेलेबल इंडेक्सेस। यानी आपके पास जितने इंडेक्सेस अवेलेबल होंगे उसकी बेसिस पे जो बेस्ट एग्जीक्यूशन प्लान होगा वही आपका एसक्यूएल सर्वर जो है वो यहाँ पर यूटिलाइज करेगा। सो नाउ देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट, दैट इज व्हाट इज अ कवरिंग क्यूरी। If all the columns that we have requested in the select loss of the query are present in the index, then there is no need to look up in the table again. The requested column data can be simply returned from the index. This is called covering query. ठीक है, तो covering query का कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके पास आपकी जो requested query है, ठीक है, उसके select loss के अंदर जो है जितने भी कॉलम हमने प्रेजेंट किए हैं
वो आपके जो है क्यूरी के अंदर बिलोंग करते हैं, तो आपको टेबल के अंदर अगेन लुकअप करने की जरूरत नहीं है। तो उसके लिए अब हम क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्टली जब उसको रन करेंगे और आप देखेंगे कि अगर हमारी क्यूरी के अंदर आपने उसको रन किया तो आपके पास डायरेक्टली जो है इंडेक्स स्कैन जो है वो आपके पास रन होगी। अब इसको किस तरह से हम प्रूफ कर सकते हैं, सो प्रूफ करने के लिए आपको पता है कि मेरे पास दो कॉलम है जिनके ऊपर हमने ये इंडेक्स बनाया है, ठीक है। तो मैं यहाँ से आके बोलता हूँ प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट सेल्स का तो टेबल है मेरे पास, इसको पी कर देता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे मैं बोलता हूँ पी डॉट प्रोडक्ट प्रोडक्ट आईडी कॉमा पी डॉट क्वांटिटी सोल्ड फ्रॉम प्रोडक्ट सेल्स, ठीक है। अच्छा इसको मैं पेस्ट करता हूँ, ठीक है। सो अब देखो एक क्यूरी तो ये है, और यहाँ पर आके एक क्यूरी में चलाता हूँ सिलेक्ट ऑल फ्रॉम प्रोडक्ट सेल्स, ठीक है। तो प्रोडक्ट सेल्स को जब मैं रन करता हूँ और एग्जीक्यूट करता हूँ और इसका जो है एग्जीक्यूशन प्लान देखता हूँ, तो आपके पास क्या हो रहा है, टेबल स्कैन हो रही है, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं ये वाली क्यूरी रन करता हूँ, अब देखो आपके पास क्या होगा, और यहाँ से एग्जीक्यूशन प्लान रन करता हूँ, तो अब देखो क्या हुआ है, ऑटोमेटिकली इंडेक्स स्कैन हुई है। इंडेक्स स्कैन क्यों हुई है, क्योंकि आपके पास ये देखो ये वाला कॉलम और ये क्वांटिटी सोल्ड का कॉलम, ठीक है, वो दो दो आपके इंडेक्स से बिलोंग करते हैं, ये वाले इंडेक्स से बिलोंग करते हैं, जिसकी वजह से आपके पास यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो है वो इंडेक्स स्कैन हो रही है, और इंडेक्स स्कैन की वजह से आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो आपका रिजल्ट है वो बिल्कुल बेस्ट एग्जीक्यूशन प्लान जो है वो आपके एसक्यूएल सर्वर जो है वो यहाँ पर यूज कर